सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये है डे 3 और अभी तक मेरे को कुछ भी सिम्टम्स ज़्यादा आया नहीं है। मतलब नो हेडेक, नो फीवर और नो बॉडी पेन। बस हाँ, थोड़ा सा सर्दी है वो भी, बट ठीक हो रहा है, पूरा ठीक हो रहा है। सो यही है डे 4 का। चलो आज क्या क्या करते हैं वो आप देखोगे। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं मतलब लेमन वाटर पी रहा हूँ। इसमें भी वाइटामिन सी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है वाइटामिन सी हम लोग के बॉडी के लिए, जो लड़ता है किसके वायरस से। सो लेमन जूस। तो यस गाइस, ये ऑक्सीमीटर है। मतलब ये तो अभी मैं जो हिसाब से देख रहा हूँ कि फैल रहा है पूरा वायरस, तो ये हर एक घर में होना चाहिए। तो आप लोग अगर नहीं हो, आप लोग के पास अगर नहीं है, तो आप ख़रीद लो एक ठो जैसे भी करके, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल चेक होता रहे। तो चलो चेक करते हैं मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। कैसे करूँ, एक हाथ से, एक मिनट। चलो मेरा तो ठीक है, 99 आ रहा है, नाइस गुड। पर जिसका भी मतलब 95 से नीचे हो रहा है, तो वो ज़रूर डॉक्टर के पास चल जाए। सो यही सब है, एक एक चीज़। और थर्मामीटर भी होना चाहिए आपके पास, टेम्परेचर चेक करने के लिए, अगर आपको टेम्परेचर आ रहा है। तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। सो ये सब खरीद लो, इम्पोर्टेंट चीज़ है। हे गाइस, मतलब अभी मैं सो के उठा, ये जो मेडिसिन है ना, उसको खाने के बाद मतलब इतना नींद आ रहा है ना कि क्या बोलूँ, खाली सोते रहो सोते ही रहो सोते रहो सोते रहो ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं जस्ट मतलब 7 बजे मतलब सोया मैं, दो मतलब लंच करने के बाद मैं मेडिसिन खाया था, उसके बाद मतलब वही 2 बजे मैं मेडिसिन खाया था, और अभी उठ रहा हूँ मैं 7 बजे। तो अभी फ्रेश होकर जस्ट अभी वर्कआउट करूँगा, और आज मैं मारूंगा चेस्ट में, चेस्ट का मतलब खाली पुशअप्स मारूंगा और थोड़ा स्ट्रेचिंग्स एंड ऑल करूँगा। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा एक तो चीज़ जो आपको पीना चाहिए। और क्या, देखते रहो व्लॉग। तो गाइस, मतलब अभी पुशअप्स का सेट खत्म हुआ, 3 सेट में मारा, 30-30 रेपिटेशन का 3 सेट मारा। और अभी मैं सर थोड़ा स्ट्रेचिंग्स करूँगा बस आज के लिए, फिर इतने स्ट्रेचिंग्स एंड ऑल करूँगा, बॉडी को थोड़ा फ्री रखूँगा इतना। अभी मतलब ज़्यादा पुश नहीं करूँगा अपने लिमिट तक, तो अभी जस्ट मैं स्ट्रेचिंग करूँगा बस, उसके बाद बताऊँगा कि क्या पीना चाहिए अभी। सो गाइस, बहुत ही मतलब ज़रूरी एक बात करना है, मतलब ये जो कोरोना है, मतलब मैं जैसे सबको बता दे रहा हूँ कि मेरे को है तो थोड़ा दूर रहो, बट बहुत जन है जो बताते नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स हो रहा है, जैसे सर्दी हो रहा है, थोड़ा फीवर लग रहा है या फिर वीकनेस लग रहा है, तो आप जाके चेक करवाओ। और अगर टेस्ट जो भी आए वो बता दो अपने सराउंडिंग से, जिससे आप मिले हो। मेरे को कैसा हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ जिम जाता था, ठीक है, और कहीं भी मैं नहीं जाता था। पर जिम में किसी एक को हुआ था, जिसको भी हुआ है वो शायद तक नहीं बताया है। तो मैं जब ट्रेनिंग किया हूँ और एक भैया के साथ, तो मैं एक भैया और एक जन जो ट्रेनिंग किए थे, हम लोग दोनों को हो गया है, हम लोग दोनों को पॉजिटिव आ गया। पर और एक जो जो है वो चेक ही नहीं करवा रहा है, तो बोल रहा है कि मैं चेक नहीं करवाऊंगा, मेरे को कुछ हो नहीं रहा तो मैं क्यों चेक करवाऊँ। तो यही सब गलत बात है। अगर आप एक मतलब सराउंडिंग्स में हो, तो आपको एक आप एक रिस्पॉन्सिबल हो सबके लिए, आप अकेले एक रिस्पॉन्सिबल हो सबके लिए। अगर आपको हुआ है तो सबको फैल सकता है आपके वजह से। तो आप ऐसे मतलब कभी भी मत करना। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा अनईजी फील हो रहा है कुछ भी, और जाकर टेस्ट करवाओ। और ये कोई मतलब बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि पॉजिटिव हो गया तो बाप रे क्या हो गया, वैसा कुछ नहीं। ये बीमारी है, ठीक हो जाएगा, और जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा फैलेगा, बीमारी का वही रूल है। तो जितना जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे और क्योर करोगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सो वही यही बात है कि आप लोग मतलब डरो मत, ये सबसे बताओ मतलब कि हाँ मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, आज जाके टेस्ट करवाओ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कहीं बाहर मत जाओ और फैलाओ मत फालतू का, बिकॉज ऐसे ही फैल रहा है, ठीक है। और मास्क पहनो, कहीं भी बाहर जा रहे हो सैनिटाइज करो। और ये मैं खा रहा हूँ अभी, देख सकते हो, हेल्दी चना। क्यूकम्बर, ये सब हेल्दी खाना खा रहे हो, खाते रहो, जल्दी ठीक हो गए। मतलब मैं जो आपको ड्रिंक दिखाने वाला था, मतलब कि ये ड्रिंक पीना चाहिए, वो है काढ़ा,
ये देख सकते हो, और बता रहा हूँ इसके बारे में क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो ये कार्ड है, 5 रुपये का गृहस्थी का मिलता है। यार इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो इसमें सब है, तो आपको मतलब ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा कि ये लाओ वो लाओ वो ये लाओ। कैसे भी देखो हम लोग कोविड के टाइम में, एक मिनट ये मैं कैसे भी कोविड के टाइम में मतलब हम लोग एक ही रूम में रहते हैं, मतलब वरना बाकी फैमिली को तो नेगेटिव आया है, मतलब मेरी मम्मी को तो नेगेटिव आया, तो मतलब मेरे को एक ही रूम में रहना पड़ता है, तो अलग ही करना। तो यही सबसे बेस्ट, गर्म पानी करो, इसको डालो, बोलो, पी जाओ, मस्त, सिंपल और क्विक ईजी, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं, 5 रुपये का ले आता है, तो ये ज़रूर सब पियो, और जिसको नहीं है वो भी पियो, ये वाला खरीद लो जाके, और पापा मम्मी को बोलो ले आने के लिए, ये पीते रहो, बहुत ही बढ़िया चीज़। मतलब आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, मतलब वही 4 से 5 मिनट का हो रहा होगा शायद तक, बिकॉज आज ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाया हूँ, बिकॉज थोड़ा सा वर्कआउट किया, बिकॉज सो ही इतना रहा था कि क्या बोलूँ, नींद ही इतना रहा था। तो हाँ, जो काढ़ा मैं बोल रहा था वो ऐसे दिखता है, पीते गरम गरम पियो, मस्त। और हाँ, मेन आज टॉपिक का यही था कि जिसको भी हो रहा है ऐसा थोड़ा भी सिम्टम्स आ रहा है, जाके चेकअप कराओ, और झूठ मत बोलो या फिर छुपाओ मत, ठीक है? अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो छुपाओ मत, देखो छुपाने से ही फैल रहा है, छुपा के नहीं, बहुत जन नहीं बताते हैं। अगर आप उनको पॉजिटिव आ गया तो घर पर चुपचाप से मतलब रहते हैं, या फिर बाहर घूमने लग जाते हैं बिना कुछ बता के, मतलब उन लोग ऐसे करते हैं कि खुद तो डूबेंगे सबको लेके डूबेंगे, इस टाइप का उन लोग का मेंटालिटी रहता है। तो ऐसा मेंटालिटी आपका अगर है तो वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, तो ऐसा मत रखो। अगर आपको हुआ है तो आप घर पे चुपचाप से आइसोलेटेड होके रहो, जब तक ठीक नहीं होते डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन खाओ, और मतलब यही है कि अपने एनवायरनमेंट को ऐसे मतलब फैलाओ मत ये सब, अगर आपको हुआ है तो। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनो, सैनिटाइज करो। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।